तो गाइज अगर आपका बजट है 50,000 और आप देख रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 50,000 के प्राइस रेंज में बेस्ट अल्ट्रा फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और लेटेस्ट 8 Gen 2 जैसे पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इन फोन्स में आपको कैमरे की क्वालिटी भी टॉप नोच मिल जाएगी, जिससे यदि आप प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग भी करना चाहें तो इनके कैमरे से आपको बेस्ट क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन। गाइज अगर आपको एक डिफरेंट लुक के साथ और तगड़े स्पेक्स के साथ कोई फोन चाहिए तो आप गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो HDR10+ भी सपोर्ट करती है। साथ ही 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस पिक्सल 7 के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP और 12 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30fps पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 10.8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इससे भी आप 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4355mAh की बैटरी मिलती है और ये फोन 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन लेटेस्ट गूगल टेंसर G2 5G प्रोसेसर के साथ आता है और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 7,40,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों को देखें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही ये फोन 197 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 22 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 53,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है मोटो S30 अल्ट्रा स्मार्टफोन। गाइज अगर आपको 50,000 के बजट में क्लीन UI और पावरफुल प्रोसेसर के साथ कोई फोन चाहिए तो आप मोटोरोला की तरफ से मोटो S30 अल्ट्रा को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको 6.67 इंच की P-OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो HDR10+ भी सपोर्ट करती है और ये 144Hz के हाईर रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 200 MP, दूसरा कैमरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 12 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30fps पर 6K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 60 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 125W के फास्ट चार्जर के साथ 4610mAh की बैटरी मिलती है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिससे आप नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर पाएंगे। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 10,48,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही ये फोन 198 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 53,999 का देखने को मिल जाता है, जिसे यदि आप क्रेडिट कार्ड या बैंक ऑफर के साथ लेते हैं तो ये आपको 50,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। सो नंबर 3 पर है सैमसंग गैलेक्सी S22 स्मार्टफोन। गाइज अगर आपको इस बजट में बेस्ट कैमरा क्वालिटी और तगड़े प्रोसेसर के साथ सैमसंग का कोई फोन चाहिए तो गैलेक्सी S22 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, जिसमें आपको 6.1 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो HDR10+ भी सपोर्ट करती है और ये 120Hz के हाईर रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 10 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 24fps पर 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 10 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जिसमें आप 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3700mAh की बैटरी मिलती है,
है। इसके अलावा ये फोन 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 5G प्रोसेसर के साथ आता है और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 8,42,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों को देखें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही ये फोन 167 ग्राम्स का देखने को मिलता है जो कि काफी लाइट वेट है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 17 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 52,599 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर सेकंड पर है रिसेंटली लॉन्च हुआ OnePlus 11 स्मार्टफोन जिसमें आपको 6.7 इंचेस की सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो SDR 10 प्लस भी सपोर्ट करती है और ये 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आती है। गाइस इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जिनसे आप 24fps पर 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसके अलावा ये फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आता है। वहीं इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 11,40,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों को देखें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही ये फोन 205 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 18 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको थोड़ा सा महंगा 54,999 का देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन iPhone 12 जिसमें आपको 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो SDR 10 विथ डॉल्बी विजन के साथ आती है जिसमें आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कंटेंट देख पाएंगे और ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस iPhone 12 के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है जिनसे आप 24fps पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसके फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इससे भी आप 24fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 2815mAh की बैटरी मिलती है और ये फोन 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये एप्पल A14 बायोनिक 5nm वाले चिपसेट के साथ आता है और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 6,21,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही ये फोन 164 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 17 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें iOS वर्जन 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो यदि इसमें आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 54,999 का देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।